तारीख 10 अप्रैल 1912। एक जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए ब्रिटेन से अमेरिका रवाना होती है, लेकिन वो जहाज कभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाती। इसके साथ ही वो सफर उस जहाज का पहला और आखिरी सफर बन जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, वो जहाज जिसकी डिजाइनिंग ऐसे की गई थी कि वो कभी डूब ही ना पाए, लेकिन वो जहाज अपना पहला सफर ही पूरा नहीं कर पाई। लेकिन आज कहानी इस जहाज की नहीं, बल्कि इस जहाज के मलबे को देखने जो पनडुब्बी गई है उसकी है, जो पनडुब्बी अपने यात्रियों के साथ कहीं गायब है। अपने साथ वो पनडुब्बी कई सवालों को पीछे छोड़ गई है, जैसे कहाँ है वो पनडुब्बी, ऐसे समुद्र के अंदर खोज पर गई पनडुब्बी काम कैसे करती है, क्यों नहीं मिल रही है ये अभी तक, और वो लोग कौन हैं जो इस पनडुब्बी में बैठे हैं, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज ब्रिटेन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपने सफर के चौथे दिन जब टाइटैनिक जहाज 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके न्यूफाउंडलैंड पहुंचा था, इसी दिन रात को 11:40 पर यह जहाज एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस टक्कर की वजह से जहाज काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, जिससे पानी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा और करीब 2 घंटे 40 मिनट में ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे की वजह से 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन फिर 111 साल बाद टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसके मलबे की खोज में जो पनडुब्बी गई थी अब वो लापता हो गई है। साल 1985 में न्यूफाउंडलैंड के पास टाइटैनिक का मलबा मिला था। इतने सालों के बाद भी टाइटैनिक कहानी काफी चर्चा में रही, लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, इसे देखना चाहते थे। फिर साल 2021 में ओशन गेट कंपनी ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो रिसर्च के लिए पनडुब्बी बनाती है। इस कंपनी ने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए एक स्पेशल पनडुब्बी बनाई जिसका नाम रखा गया द टाइटन। इस पनडुब्बी में टाइटैनिक टूरिज्म में जाने वाले एक इंसान का खर्चा करीब 2 करोड़ रुपए है। टाइम टू टाइम इस कंपनी ने समुद्र के नीचे से टाइटैनिक की कई फोटोज जारी की हैं। कई रिसर्च में ऐसा पता चला है कि ये मलबा दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और इसीलिए ये अपनी तरफ लोगों का और ध्यान खींचता है। 18 जून को ऐसे ही इस मलबे को देखने एक पनडुब्बी समुद्र के अंदर उतरी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संपर्क जो था वो टूट गया। इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक रेप्यूटेटेड बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी हैं। इस बात की जानकारी उनके फैमिली ने खुद दी है। अब सवाल ये आता है कि ये है कौन। तो शहजादा दाऊद पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन हैं। पहले वो एंग्रो कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबर थे, लेकिन अब वो वहां के उपाध्यक्ष हैं। शहजादा दाऊद के पिता हुसैन दाऊद लंबे टाइम तक पाकिस्तान के सबसे रिचेस्ट इंसान में से एक थे। अभी पनडुब्बी गायब है। अब इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए कई इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि US कोस्ट गार्ड, कैनेडियन ज्वाइंट रेस्क्यू सेंटर और फ्रांस के अनुसंधान पोत भी जुट गए हैं। सोनार तकनीक का उपयोग करने वाले बचावकर्ताओं ने पानी के भीतर तेज शोर की आवाजों का भी पता लगाया है, जहां कुछ ही दिनों पहले ये टूरिस्ट पनडुब्बी गायब हो गया था। कई अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि शोर हर 30 मिनट में दोहराया जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2018 में ओशन गेट के इस पनडुब्बी पर कई सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद पनडुब्बी विशेषज्ञ जिसने इस पनडुब्बी की दिक्कतों के बारे में बताया था उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इस पनडुब्बी में अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है। अगर जल्द से जल्द इसकी खोज नहीं हुई तो इसमें जो लोग मौजूद हैं उनके जान को खतरा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये पनडुब्बी मिल पाएगी। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।